एकीकृत भारतीय न्यायपालिका, ठीक है। जब भी वर्ड आए तो मन में यह आप जरूर सोचो कि इससे रिलेटेड निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या नहीं, या एकीकृत भारतीय न्यायपालिका को परिभाषित करे, ये सोच के पढ़े तो आपको बड़ा मजा आएगा। मैंने शुरू में कहा, अब सिर्फ कोर्स कंप्लीट के नजरिए से अगर पढ़ोगे तो बहुत कुछ समझ में नहीं आएगा, आपको एग्जाम में लगेगा ये तो हम पढ़े हुए हैं, लेकिन बेकार हो जाएगा। नहीं, अच्छा, तो कहा जा रहा, सामान्यतः संघीय प्रणाली के अंतर्गत दोहरी न्याय प्रणाली का प्रावधान होता। संघीय प्रणाली के अंतर्गत दोहरी न्याय प्रणाली का प्रावधान होता है। दोहरी न्याय प्रणाली में संघीय न्यायालय द्वारा संघीय विधियों से संबंधित वादों तथा राजकीय न्यायालयों द्वारा राज विधि से संबंधित मामलों की सुनवाई की जाती है। याद रखिए, क्या बोला जा रहा, दोहरी न्याय प्रणाली में संघीय न्यायालयों द्वारा संघीय विधियों से संबंधित वादों तथा राजकीय न्यायालय द्वारा राज विधि से संबंधित मामलों की सुनवाई की जाती है। भारत में संघीय प्रणाली की स्थापना अवश्य की गई है, परंतु संविधान निर्माताओं द्वारा एकीकृत न्याय प्रणाली की स्थापना भी की गई है। इसके अंतर्गत देश में अवस्थित सभी न्यायालय केंद्र तथा राज्य दोनों की विधियों से संबंधित मामलों की सुनवाई करते हैं, ठीक है, और नीचे के न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध ऊपर के न्यायालयों में अपील की जा सकती है, ठीक है, जाहिर सी बात है। तो यहां पर क्या देखा जा रहा है कि जो भी देश में अवस्थित जो सभी न्यायालय हैं, केंद्र लेवल पे है, राज्य लेवल पे है, जिला न्यायालय पे है, जो भी है, तो उनके विधियों से संबंधित मामलों की सुनवाई करते हैं, और सबसे पहले नीचे के न्यायालय को निर्णय के विरुद्ध ऊपर के न्यायालयों में अपील की जा सकती है। तो सबसे पहले बताइए, आप अपना जो केस करेंगे उसकी सुनवाई कहाँ होगी? सुप्रीम कोर्ट में, डायरेक्ट, है ना जी। आप जिस जिला में रहते हैं वहां के जिला न्यायालय में, अब उस जिला न्यायालय से काम नहीं बने तो भैया उस राज्य बोले तो स्टेट कोर्ट से, वहां से काम नहीं बने तब आप जाओगे सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, ये मतलब हाई कोर्ट बोलोगे, स्टेट कोर्ट बोले तो हाई कोर्ट HC, और सुप्रीम कोर्ट बोले तो HC। तो आप देखोगे इस तरह से, इसका मतलब आप देखोगे एकाधिकार किसके पास हो गया, सुप्रीम कोर्ट के पास, ठीक है। अच्छा, अब क्या है, आप देखोगे एकीकृत न्यायपालिका की अगर बात किया जा रहा है तो यहां पर आप देख सकते हो कि राष्ट्रपति राज्य लेवल पे, है ना, मतलब केंद्र लेवल पे, राज्य लेवल पे राज्यपाल, और संसद तो भैया राष्ट्रपति के ही पार्ट है। अब केंद्र लेवल पे अगर बात करोगे तो आप देखोगे सुप्रीम कोर्ट, मुख्य न्यायाधीश, न्यायाधीश, और राज्य लेवल पे हाई कोर्ट, उसमें भी भैया मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीश आपको देखने को मिलेंगे। अब उसके नीचे लेवल पे जाओगे तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, बोले तो जिला न्यायालय, देखिए नहीं लिखा हुआ तो हम लिख देते भैया, तो जिला न्यायालय, और जिला न्यायालय में भी आप देखोगे तो दो न्यायाधीश दिखेंगे, एक मुख्य न्यायाधीश और एक अन्य न्यायाधीश। तो यहाँ न्यायाधीश बोला ना, तो उसको अन्य न्यायाधीश आप बोल सकते हो, अन्य न्यायाधीश, एडिशनल या अदर, जो कि आप देखोगे, आप झारखंड में रहते हो तो झारखंड में देखोगे कि एक नहीं बल्कि कई आपको देखने को मिलेंगे। अब जिस मतलब जिला में, राज्य में फिर देखने को मिलेगा, सुप्रीम कोर्ट में मिलेंगे, सुप्रीम कोर्ट में शायद अभी 31 या 33 है, अभी कंफर्म कर देंगे। तो जो भी मतलब एक प्लस अन सबको जोड़कर, इसलिए एग्जाम में फोकस वहां पर करना पड़ेगा कि कुल न्यायाधीश बोला गया है या मुख्य न्यायाधीश बोला गया है या अन्य न्यायाधीश बोला गया है, ठीक है, इस सब पे फोकस करना होगा। तो भारत में नीचे से ऊपर तक के सभी न्यायालय एक ही व्यवस्था द्वारा संगठित है। देखो जी, आपका टॉपिक क्या चल रहा, संघीय न्यायपालिका मतलब फेडरल जुडिशियरी। फेडरल जुडिशियरी में आपको बस क्या दिखेंगे, तो सबसे ऊपर स्थान सुप्रीम कोर्ट का केंद्र लेवल पे, राज्य लेवल पे हाई कोर्ट का, राज्यों के अंतर्गत, और देश के अंतर्गत राज्य, राज्य के अंतर्गत जिला है,
तो जिला के अंतर्गत क्या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट दिखेगा। तो यहां मुख्य मुद्दा यह है कि न्यायपालिका की व्यवस्था क्यों की गई, क्या कारण है, क्या पूरी कानून व्यवस्था संसद नहीं चला पा रही है, व्यवस्थापिका कार्यपालिका नहीं चला पा रही है, चला पा रही है लेकिन उसको सही तरीके से व्यवस्थित करने के लिए और व्यवस्थापिका और कार्यपालिका का मान बढ़ाने के लिए, उसका वैल्यू बढ़ाने के लिए, नागरिकों का संरक्षण करने के लिए न्यायपालिका की जरूरत पड़ती है। नहीं तो आप देखोगे मार्केट में तो कोई भी केकरो धक्का मार के चल दिया, बोला चलो कोई बात है, लेकिन वहां हल्का सा भी कुछ करने से पहले सोचता है कि भाई हमको दंड दिया जाएगा। तो सोचिए ये दंड वाला वर्ड कहां से आया है? पहले लोगों को न्यायपालिका नहीं था, पहले धर्म था, तो सोचिए धर्म से लोगों को डराते थे, ऐसे नहीं करना, पाप मिलेगा पाप, ऐसा करोगे तो नरक जाओगे, ऐसा करोगे तो स्वर्ग जाओगे। अब कहा होता नरक, कहा होता स्वर्ग, कोई नहीं देखा है, लेकिन जो मेंटेलिटी सेट कर दिया गया भाई वो लेकर चल रहे, देखने के लिए मरना पड़ेगा। और कई लोग ऐसे भी हैं कि जो चार पांच छह बार मरकर वापस भी आ गए, लेकिन अगल बगल में कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। हम लोगों का ई में हमको लगता है जब 60 या 70 साल था पहला बार मरा, अंततः शतक पार करके ही मरा, सब आता था ना मर गया, पूरा बांस तैयार है और उसके बाद जब उठ गया उठाने के लिए तो देखो उठकर बैठा ले। उसका दूसरा बार फिर 5 साल बाद फिर सिचुएशन आया, मर गया, मर गया। अब उसके बाद क्या है, उसको जैसे बांधा, बांधने के बाद फिर आग खोला, बोले काय बांध लिया हमरा, खोल 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 खोल, बोला रे। तीसरा बार क्या हुआ, मतलब एकदम स्टार्ट, बोला ये करता था, फिर 4-5 साल 7-8 साल बाद फिर ये तो एकदम लगता अब नहीं उठेगा, पूरा बांध उठ के राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, जैसे वहां पर रखा जलाए वास्ते, ठीक है, रस्सी सी खोला, देखा कूट के बैठा है, सच ले। अगला शतक पार के बाद हुआ, कोई नहीं गया, बोला ये फिर उठ जाएगा, तो कहा होगा अंततः आदमी, ठीक, अंततः जा चुका था। तो सोच लीजिए, तो वैसे लोगों से पूछना पड़ेगा कि आप गए थे तो स्वर्ग गए थे कि नरक गए थे, 2-4-10 घंटा के लिए, 20 घंटा के लिए, बोला सीट खाली नहीं है वापस जाओ, तुम्हारा रिजर्वेशन नहीं हुआ था, नहीं सोचे थे। इस पे कितना तरह का कहानी बनेगा, कोई डायरेक्टर के नजर में आता पूरा फिल्म बना डालेगा और है भी फिल्म भी है, नहीं कितने सारे मूवी है। न्यायिक पद सोपान में शीर्ष स्थान दिल्ली स्थित उच्चतम न्यायालय का है। अगर बोले शीर्ष स्थान किसका है जी, तो दिल्ली सुप्रीम कोर्ट, भारत की राजधानी नई दिल्ली, भारत का सुप्रीम कोर्ट दिल्ली। कितने सुप्रीम कोर्ट है भारत में? एक। लेकिन राज्य है जितने उतने हाई कोर्ट, लेकिन बहुत सारे राज्यों का हाई कोर्ट आप देखोगे भी नहीं, 24 दिखाता है, ठीक है, हाँ तो देखोगे भी नहीं। आप देखोगे ना 28 राज और 8 यूटी है, तो 8 यूटी का तो हाई कोर्ट है ही नहीं, ठीक है, वो कोई ना कोई राज्यों के हाई कोर्ट से काम चला लेते हैं। अब बहुत सारा हाई कोर्ट, बहुत सारा राज्य का हाई कोर्ट भी नहीं है। जैसे आप देखोगे मुंबई हाई कोर्ट, गोवा के लोग और गोवा का जो है मुंबई से काम चला है, दादर नागर हवेली मुंबई हाई कोर्ट से काम चला है, महाराष्ट्र तो है ही नहीं, तो वहां पर सब विधि व्यवस्था देखना पड़ता है ना जी, जनसंख्या के आधार पर, व्यवस्था के आधार पर सब कुछ देखना पड़ता है। हाँ, जनसंख्या है, व्यवस्था है, और जब आपका काम चल जा रहा था फिर सोचना क्या। अब बताइए यूपी में होगा कि नहीं होगा, 100% होगा, इतने सारे जनसंख्या है, सब व्यवस्था उसी को ही देना पड़ेगा। हाँ, आप देख सकते हो बहुत सारी जगह में आप देखोगे ना बैंक भी नहीं है, गांव में बैंक भी नहीं है, दूसरे वो लोग दूसरे गांव में जाके बैंक व्यवस्था लेते हैं, बोले वहां पर क्यों नहीं होना चाहिए, जनसंख्या व्यवस्था वो सब देखना पड़ता है।
ठीक है, वो सब देखना पड़ता है, व्यवस्था हो जा रहा तो ठीक है भैया, फिर पता चला कि नहीं जनसंख्या बढ़ गया है, तो सब कुछ व्यवस्थित रूप से करना पड़ता है। राज्यों में उच्च न्यायालयों की स्थापना संघीय सिद्धांत के आधार पर हुई है। उच्च न्यायालय न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, तो हाईकोर्ट न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। देखिए उच्च न्यायालय का बोला, और केंद्र न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। जिला न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा? वहां आ जाएगा राज्यपाल के द्वारा, ठीक है। नहीं वो भी अभी चर्चा करेंगे, ठीक है, वहां पर बड़ा कंफ्यूजन होता है, वहीं से क्वेश्चन भी उठते हैं। उनका एक हाईकोर्ट से दूसरे कोर्ट में स्थानांतरण भी संभव है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्र अधिकार भारत व्यापी है, वो तो भैया सुप्रीम कोर्ट की बात की जा रही है, तो भैया सब जगह है ना। इससे स्पष्ट है कि भारत में दोहरी न्यायपालिका का अभाव है ना, दोहरी न्यायपालिका नहीं है। यही कारण है कि सर्वोच्च न्यायालय की उपयोगिता बताते हुए अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, देखो जी किसका नाम आ रहा जी, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर है ना जी, अब हिंदू है कि मुस्लिम है समझ में नहीं आ रहा, नहीं जी अच्छा साउथ में है ना, चलिए, ने कहा था कि भारतीय संविधान का विकास बड़े पैमाने पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों तथा उस दिशा पर निर्भर करेगा। भारतीय संविधान का विकास बड़े पैमाने पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों तथा उस दशा कंडीशन पर निर्भर करेगा जो वह संविधान को समय समय पर देता रहेगा। संविधान पक्ष में डॉक्टर अंबेडकर ने स्वयं कहा था कि भारतीय संघ एक द्वैत राज्य पद्धति है, परंतु इसमें न्यायपालिका द्वैत नहीं है। उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय से मिलकर एकल न्यायपालिका गठित की गई है। देखिए उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय से मिलकर एकल न्यायपालिका गठित की गई है, ऐसा इसलिए किया गया, मतलब राज्यों के जितने हाईकोर्ट है सुप्रीम कोर्ट मिलाकर एकल नागरिकता व्यवस्थित की गई है। ऐसा क्यों किया गया? इसलिए कि निदानात्मक प्रक्रिया में, निदानात्मक बोले तो डायगोनिस्ट ठीक है, प्रोसेस में जो भी विषमताएं आए वे सब दूर की जाए, मतलब निदान। कनाडा ही एक ऐसा देश है जहां इस प्रकार की व्यवस्था है, ठीक है। अच्छा अब क्या है, अब देखोगे भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के संगठन पर स्पेशली फोकस करेंगे,